गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल, मेरी नई पहली वीडियो। और आज हम खेलने के लिए जा रहे हैं, मतलब आज हम अपने चैनल का फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें आप सोच रहे हो कि तुम क्या करोगे, है ना, गेम खेलोगे? नहीं, इसमें आज हम चैलेंज करने वाले हैं गेस द सॉन्ग। तो याली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दे। चलो बिना टाइम इसको वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे होंगे मजेदार इमोजी, अच्छा दिमाग को घुमा देने वाली पहेलियां और आंखों को चकरा देने वाले ऑप्टिकल। वाह वाह वाह, टोटल 20 मजेदार पजल्स होंगे। और अच्छा, एंड में आपके जितने पॉइंट्स होंगे आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि अच्छा, आपका लेवल ब्रॉन्ज पर है, गोल्ड पर है या फिर आप ग्रैंड मास्टर लेवल के। कमेंट में अपना लेवल बताना। और हाँ, वीडियो के एंड में हम एक डरावनी इल्यूजन को भी देखेंगे। तो शुरुआत है यहाँ से, इन इमोजीज को देखकर बताओ कि यहाँ पर कौन से गाने की बात की जा रही है। बहुत ही आसान है और काफी फेमस सॉन्ग है। फटाफट से आंसर को देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताना। ये दिल का टेलीफोन, दिल का टेलीफोन, वो ये पक्का। ये तो बहुत आसान है यार गाइस। दिल का टेलीफोन यानी ये गाना है, दिल का टेलीफोन बजता रिंग रिंग रिंग। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस गाने पर लगभग 7 करोड़ व्यूज है। तो भाई या नहीं, अभी नहीं, मुझे इसको देखकर गेस करो सॉन्ग को। यहाँ पर हिंट की जरूरत शायद ना पड़े, फिर भी बता देता हूँ कि ये गाना ज्यादा नया भी नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने ये गाना कभी ना कभी जरूर सुना ही होगा। आंसर को देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताना। 10 10 10 10 टन हा टन टन हा टन टन तारा स्टार चल रहा है क्या? टन 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 तारा चलती चल लड़की को चलती है चलती कि 9 से 12 वो तो नहीं है, अपन 9 लिखा है, पर 12 हो रखे बज रखे टाइम होगा पक्का। ये गाना सुना है? तन 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 तारा टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 ओ ओ। अच्छा, ये जो इमोजी पजल है ना, ये आप अपने मम्मी पापा को जरूर एक बार दिखाकर पूछना, क्योंकि ये एक 90s का सॉन्ग है, यानी ये गाना पुराने जमाने का है और काफी फेमस था ये उस टाइम। आप शायद ना बता सको इस गाने का नाम, पर देखना कि आपके मम्मी पापा बता पाते हैं या नहीं। अबे मैं कर रहा हूँ चले, मेरे मम्मी पापा क्या बताए। राजा रानी का प्यार इसका क्या होगा बे? राजा रानी दोस्ती, राजा रानी प्यार, राजा रानी प्यार पता नहीं, राजा रानी दिल, राजा रानी किंग एंड क्वीन का प्यार। अगर आपका जवाब था राजा को रानी से प्यार हो गया तो आपका यहाँ एक पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपने भी यही जवाब दिया था या फिर आपके मम्मी पापा ने, तो यार वेट किस बात का, वीडियो को अभी लाइक कर दो। पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और अब आगे की इमोजी पजल्स को देखने के पहले हम यहाँ एक काफी फेमस रिडल यानी पहेली को देखेंगे। देखते हैं आप में से कितने लोग इस रिडल का सही जवाब दे पाते हैं। ध्यान से सुनना। आशीष एक रूम में था, रूम में 3 स्विच थे जो कि रूम के बाहर मौजूद 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक बल्ब के थे। आशीष जिस रूम में था उसका दरवाजा भी बंद था, वो बाहर के बल्ब को नहीं देख सकता था। आशीष को ये पता करना है कि कौन सा स्विच रूम के बाहर मौजूद कौन से बल्ब से जुड़ा है। पर यहाँ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आशीष जैसे ही रूम का दरवाजा खुलेगा तब वो उन स्विचेस को वापस से नहीं छू सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि आशीष कैसे बता पाएगा कि कौन सा स्विच कौन से बल्ब से जुड़ा है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। और वैसे तो आपके पास 10 सेकंड्स होंगे, पर ज्यादा टाइम के लिए आप वीडियो को पॉज कर लेना। देखो आगे आशीष वो लाइट को से पहलिया पता नहीं,
देखते हैं। जब रूम के अंदर था तब वो 300 इसमें से 200 इसको ऑन कर लेगा, वो उन्हें 5 मिनट तक ऑन कर कर ही छोड़ देगा। 5 मिनट के बाद वो इस स्विच को वापस से बंद कर देगा। अच्छा, एक ही स्विच ऑन होगा। आशीष दरवाजा खोल कर रूम से बाहर निकल गया और उसे एक बल्ब के स्विच का पता तो चल ही गया क्योंकि उसने एक स्विच को ऑन कर रखा था और वो बल्ब ही ऑन था। जिस बल्ब के स्विच को उसने 5 मिनट तक ऑन रखने के बाद बंद किया था वो बल्ब अभी भी गर्म था, तो इसे दूसरे बल्ब के स्विच का भी पता चल गया और फिर जो स्विच बचा वो तीसरे बल्ब का स्विच था। खाना काफी मजेदार और लॉजिकल, ये काफी इजी है। आपको बताना है कि कौन से सॉन्ग की बात हो रही है। ये सॉन्ग पार्टी शादी में काफी ज्यादा बजता है। ये है 5वां बजर। हमेशा की तरह 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, गेस करो और कमेंट में सॉन्ग का नाम बताओ। स्टार्ट। मंच आएगा, मंच आएगा, मंच आएगा, मंच मचेगा, बच्चे का मचेगा, ढोलक भी मचेगा, वैसा नहीं है। तो ये सॉन्ग है मचाएंगे। रुको, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ये मचाएगा मुझे। आपने जरूर सुना भी होगा और गेस भी करा होगा। उस सॉन्ग का भी 20 करोड़ से भी ज्यादा। मैंने नहीं सुना, मैं इंग्लिश में। ये है कि यहाँ इन इमोजीज से एक नहीं दो गाने बन सकते हैं और दोनों के दोनों ही काफी फेमस है। क्या आप दोनों में से किसी एक गाने का भी नाम गेस कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये स्नेल, स्नेल, ये स्नेल धीरे चलता है, धीरे धीरे, ये तो ये धीमे धीमे है या तो धीरे धीरे से मेरे दिन के मान धीमे धीमे पक्का। तो बस जिंदगी लिखाई नहीं है मम्मी। गुनु में सब चीज चुंडी के धर ले आया उसको देख कर पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? यही ना कि ये काफी स्लो होते हैं। तो पहला गाना है यस Amazon Great Indian Festival। वे यार ऐड आ गया, मैंने बोला था ना दिल में धीमे। और दूसरा गाना है गुरु रंधावा का स्लोली 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 स्लो स्लो। ये सॉन्ग हम में से सभी ने कई बार सुना होगा, इसे हमारे मम्मी पापा भी सुनते आए हैं और कुछ लोगों के तो दादा दादी भी इस सॉन्ग को आसानी से गेस कर सकते हैं। बहुत इजी है यार, कमेंट करके बताना जरूर सॉन्ग का नाम। रुको रुको रुको, बहुत आसान है। गुलाबी आंखें, गुलाबी आंखें, वही है पक्का। ये तो बहुत आसान है। सब गाने ये है गुलाब की और ये है आईज यानी कि आंखें। तो ये सॉन्ग हो गया गुलाबी आंखें। काफी लोगों का पॉइंट बढ़ा होगा और देखते हैं नेक्स्ट वाले इमोजी पजल। दिमाग लगाना क्योंकि ये अभी तक का सबसे क्योंकि इमोजी पजल है। ये सॉन्ग स्टूडेंट्स के बीच काफी फेमस है। थोड़ा सा और हिंट दूं तो ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है। स्टडी या फिर जिम या फिर लाइफ में जिन्होंने कुछ भी बड़ा करने का सपना देखा होगा ना उन्होंने इस सॉन्ग को सर्च करके जरूर सुना होगा। चैलेंज है, दिमाग लगाओ क्योंकि उसी में तो पजल का असली मजा है। निशाने निशाने निशाना गोल, इसका क्या है बे? धनुष 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 प्लस प्लस ट्रॉफी, धनुष मारू लगे निशाने पर, ये कौन सा गाना है बे? ये तीर धनुष लक्ष्य को भेद रहे हैं और ये बंदा ट्रॉफी उठा रहा है, यानी ये सॉन्ग होगा। अबे लक्ष्य मैंने कर लिया, गाइस मैं सोच रहा था पक्का लक्ष्य, पर ये गाना मैंने सुना नहीं है यार। काफी ट्रिकी था और बहुत कम लोगों का ही यहाँ पॉइंट बढ़ा होगा। एक आदमी पार्क में बेंच पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में किसी की फोटो थी। तभी पीछे से उसका दोस्त आशीष आ जाता है और उससे पूछता है कि ये किसकी फोटो है। वो आदमी बोलता है मेरे ना तो भाई है और ना ही बहन, लेकिन इस फोटो में जो है उसके पापा मेरे पापा के बेटे हैं। आशीष तुरंत समझ जाता है कि फोटो में कौन है। क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखने के पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा।
पता नहीं यार, ऐसे इसके बाद वीडियो ख़त्म, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है हमें वीडियो, आज हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वो फोटो उस आदमी के बेटे की थी, क्या आपने ये गेस किया था? और हाँ, अगर आप इस पहेली को सही से नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को पीछे करके इस पहेली को एक बार फिर से सुन लेना। अब हम लास्ट है, इमोजी पजल्स को देखेंगे जिसमें आपको इमोजीज को देखकर सब्जेक्ट का नाम गेस करना है। और उसके बाद हम देखेंगे आंखों को धोखा देने वाले कुछ गजब के तगड़े ऑप्टिकल इल्यूजंस को। स्क्रीन पर दिख रहे इन तीन इमोजीज को देखकर आप एक स्टडी सब्जेक्ट का नाम गेस करो। अगर सोच पाए तो आंसर देखने के पहले नहीं भाई, तो आज के वीडियो के लिए नहीं, आखिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।